हेलो एन, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स के इस सेशन में, इस चैनल पर। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 500 एरर डिटेक्शन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 201 to 225, राइट। आज है हमारा, मुझे लगता है डे 9 है ये हमारा, राइट। और आज डे 9 में हम करने वाले हैं 201 to 225 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। आपको जैसा कि पता है, एरर डिटेक्शन आसान बनाने के लिए इस सीरीज को बनाया गया है, ताकि आप हर उस ऑब्स्टिकल को पार कर सके जो आपके एग्जाम के रास्ते में आए। आप हर उस परीक्षा को, हर उस टॉपिक को प्रॉपरली, अच्छे से, बिल्कुल बेहतर तरीके से, ठीक है, इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकें। एंड दिस इज वन ऑफ सच क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा डराते हैं, राइट, एरर डिटेक्शन। क्यों? क्योंकि आपको रूल्स पता होने चाहिए, आपको एप्लीकेशन पता होने चाहिए, बट प्रेशर में कई बार हम रूल्स के साथ एप्लीकेशन भूल जाते हैं, है ना। सो इसीलिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं 500 एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन नंबर 201 से 225। This is Achal Singh and you are watching me on Wi-Fi Study Bank Exams. I hope you people are doing well. You people are happy, healthy and safe, right? चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन शुरू करने के पहले कुछ ब्रीफ करना चाहूंगी मैं आपको, वो ये है दैट आप लोग जो भी यहाँ पे नए हैं, प्लीज गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डाउनलोड द ऐप अनअकैडमी and you can go and type my name anchalsingh, right, go and type my name anchalsingh over there, kahan pe, unacademy app pe, aur wahan pe ja ke aap mujhe follow kar sakte hain for the free classes which I am offering you, right. To free classes aapko unacademy pe mil jayengi. iske alawa mere jo sessions hain, जो बैच क्लासेस हैं, राइट, जो बैच है, द बैच हैज ऑलरेडी बिगन फ्रॉम 2nd of November, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द बैच। 2nd of November से मेरी बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आप सभी अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन अवेल करना होगा, और सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए आपको करना होगा एएन लाइव टाइम, राइट। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन तो होगा ही, बट अगर आप ये कर लेते हैं छुट्टियों में, राइट, तो आपको काफी सारे फायदे मिल जाएंगे। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं विद दिस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सेशन में और बात करते हैं कैसे इस डिस्काउंट को अवेल किया जाए, किस तरह से एएन लाइफ कोड का इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले आपको बैंक एसएससी जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आप प्लान को सिलेक्ट करेंगे। प्लान अगर आपका 6000 का है, आप यहाँ पे कोड जैसे ही इस्तेमाल करेंगे एन लाइव, राइट, जैसे ही आप एन लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे, आपको मिल जाएगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। नाउ द 10% डिस्काउंट फॉर 6000 इज 600 और आपकी फीस हो जाएगी 5400, राइट, एंड यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5400। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट प्लस अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलरली कर रहे हैं अनअकैडमी पे, तो अभी तक आपने काफी सारे कॉइन्स रिडीम कर लिए होंगे, आप उन कॉइन्स को भी यहाँ पे जाके अवेल कर लिए होंगे कॉइन्स, तो आप उन कॉइन्स को भी जाके यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। ओके, ये रहा मेरा स्केड्यूल, प्लीज हैव अ लुक। 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में, जो की एक यूट्यूब चैनल है और बिल्कुल फ्री है, है ना। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ अनअकैडमी पे प्लस की क्लासेस में जुड़ सकते हैं। 11:30 to 1:30 PM अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस कराती हूँ मैं हर रोज मंडे टू फ्राइडे, राइट, जो कि बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे हमारा सेशन चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन, तो इसमें जुड़ना ना भूले बिल्कुल भी। 2 PM to 3 PM वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे भी हम क्लासेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी सीरीज चल रही है 500 एरर डिटेक्शन की, जो कि हम बहुत ही मजेदार तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से हर रोज आप लोगों के साथ, आप लोगों की वजह से कर पा रहे हैं, राइट।
और हर थर्सडे और फ्राइडे को जस्ट इंग्लिश चैनल पे 10:30 to 11 AM आप मेरे सेशन को कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं आप? 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को मेरे साथ जस्ट इंग्लिश चैनल पे आप अपनी इंग्लिश को इनहांस कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, विच इज अ चैनल डेडिकेटेड प्योरली एंड टोटली टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स. ओके, तो अगर आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको यहाँ पे होना बेहद जरूरी है. ओके, चलिए तो आज के सेशन की तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में हमें करना है 201 से लेके 225. हम शुरू कर रहे हैं विद गॉड्स ग्रेस. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन. 500 में से 200 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. अब हम शुरू कर रहे हैं 201 से 225 की सीरीज, राइट? तो आज की सीरीज डे 9 है, या शायद डे 8 जो भी है आज, तो हम शुरू करने वाले हैं. तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है. Okay, so the first question here is, you cannot withdraw all your money until you give a prior notice. जब तक आप prior notice नहीं देते हैं, तब तक आप withdraw नहीं कर सकते हैं. You cannot withdraw all your money until you give a prior notice. तो जल्दी से बताइए क्या है इस क्वेश्चन में एरर, क्वेश्चन नंबर 201. आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल. सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मुझे पता है ये एक रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है. तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपको रिस्पॉन्स भले ना मिले, लेकिन आपको आंसर जरूर मिलेंगे मेरी तरफ से. आपके नेम्स यहाँ पे मैं आज नहीं ले पाऊंगी, बट आप जरूर आंसर करें. मैं जरूर चेक करूंगी इस सेशन को, इस वीडियो को, जब ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो चुका होगा कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस. जी हाँ, बिल्कुल चेक होगा. तो चेक होने के डर से जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और आंसर कीजिए. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही सेशन को भी जरूर लाइक करके जाइएगा. ओके, चलिए तो बताइए, 30 सेकेंड्स आपके पास हैं, 15 सेकेंड्स ऑलरेडी पार हो चुके हैं और 15 सेकेंड्स बचे हैं. आपको बताना है, यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल योर मनी अंटिल यू गिव अ प्रायर नोटिस. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन? चलिए आइए तो डिस्कस करते हैं, काफी समय हो चुका है. आई थिंक लेट्स डिस्कस. द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर 2. व्हाट इज द एरर? The error is, जब हम until लगाते हैं, right? और जब हम unless लगाते हैं, तो दोनों में difference क्या है? Until use होता है समय के लिए. अगर समय है, समय की वजह से कुछ हो रहा है, तो हम until लगाते हैं. और अगर कोई condition लगी हो, तो हम यहाँ पे unless का use करते हैं. तो यहाँ पे हम तो समय के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम तो condition के बारे में बात कर रहे हैं. आप withdraw नहीं कर सकते, ये condition है, है ना, कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते अपने सारे पैसे जब तक आप नोटिस ना दे दे. सो यहाँ पे हम अंटिल के जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? वी विल यूज अनलेस. सो द अप्रोप्रिएट सेंटेंस वुड बी, यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू गिव अ प्रायर नोटिस. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड बिहेव विद अदर्स द सेम वे विच यू वुड एक्सपेक्ट देम टू बिहेव विथ यू. ओके, where does the error lie? आपको बताना है एरर कहाँ है सेंटेंस में. फिर से मैं आपको 30 सेकेंड्स का समय देती हूँ, जल्दी से 30 सेकेंड्स ले लीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए और जल्दी से आंसर करके बताइए क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि एरर है इस क्वेश्चन में. यू शुड बिहेव विथ अदर्स द सेम वे यू वुड एक्सपेक्ट देम टू बिहेव विथ यू, नो एरर. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही सेशन को भी लाइक करके जाएं आज और फॉलो जरूर करें आंचल मैम को अनअकैडमी पे. यू जस्ट हैव टू टाइप माय नेम व्हिच इज एट द टॉप, व्हिच इज गिवन एट द टॉप ऑफ द सेशन ओवर हियर. यू कैन सी ANCHALSINGH. जी हाँ, बिल्कुल, ANCHALSINGH इज माई नेम. माई नेम इज आंचल सिंह एंड यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी फॉर फ्री क्लासेस. Where does the error lie in this question? आपको मिले हैं 30 seconds, 15 seconds already हो गए हैं, 30 seconds बाकी, 15 seconds और बाकी हैं. जल्दी से बताइए error कहाँ पे और किस question में, किस प्रश्न में है. Okay, so here ends, 30 seconds ends here. The correct answer to this question is, you should behave with others the same way. As you would expect them to behave with you. Which का usage यहाँ पे हमें कोई मतलब ही नहीं है which लगाने का, right? Which हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं है.
ठीक है, यू शुड बिहेव विद अदर्स द सेम वे एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू बिहेव विद यू वुड बी द करेक्ट आंसर. सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 2, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लिस्ट, either he nor his brother was informed about the venue of the meeting of our society. No error. Where does the error lie? I hope aapko error to dekhi gaya hoga. To jaldi se comment box pe comment kijiye aur bataiye ki error kahan pe, kis question mein hai. Is question ke liye bhi main aapko 30 seconds dungi. Let's see kitne log sahi answer guess kar paaye hain, kitne logon ko abhi bhi is sentence mein itne chote se error mein bhi confusion hai. To aapko main zarur bataungi yahan pe sahi error kya hona chahiye, sahi sentence kya hona chahiye. Okay, 30 seconds end here. Let's see what is the correct answer here. The correct answer to this question will be either he or either ke saath jo connector follow hota hai wo hamesha or hota hai, kabhi bhi nor nahi use hota hai, right? So the error is in option number 1. Either he or his brother was informed about the venue of the meeting of our society. This will be the correct answer of the following question. Next question, he not only believes in hard work but also in honesty of the higher order. Where does the error lie? Error kahan pe hai, kahan pe error paya ja raha hai, jaldi se bataiye. Bahut hi chota error hai, simple error hai, but thoda twisting error hai. Where does the error lie? Error किस question में, किस part में है, ये आपको बताना है. Unacademy पे आपको हमें जाके follow करना है, मेरे नाम को type करना है. क्या type करेंगे आप? ANCHALSINGH. Channel को भी like, share, subscribe आपको करना है, right? Bell icon hit करना है और ma'am की session को भी like करके जाना है. So I hope आप सभी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ चुके होंगे और अभी session को attend कर रहे होंगे और सेशन में जबरदस्त आंसर्स दे रहे होंगे, बिल्कुल सही सही आंसर्स, राइट. सो आई कैन एक्सपेक्ट गुड आंसर्स, करेक्ट आंसर्स, मोर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ओवर हियर, राइट, व्हिच आई विल चेक लेटर फॉर श्योर. सो लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर एंड हु डजंट. 25 आउट ऑफ 25 आज किसको मिलने वाला है इस सेशन में, देखूंगी मैं ये बाद में, बट अभी तो फिलहाल आपको आंसर करना है. लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर. ओके, he not only believes in hard work but also in honesty of the of higher order. The error here lies in option number 1. Why? I'll tell you. ab dekhiye, not only ke baad yahan pe verb likha gaya hai, verb hai, right, whereas but also ke baad aaya hua word kya hai, honesty, right, it's a noun, abstract noun, right, preposition with abstract noun. Now whenever we use not only but also, unke baad wale jo scenarios hote hain, jo parts of speech hote hain, that should be of the same order. That is why these conjunctions are a balanced conjunction. Theek hai, not only ke baad agar verb lag raha hai to but also mein bhi verb lagna chahiye. Not only ke baad agar hum adjective laga rahe hain to but also ke baad bhi adjective hi lagayenge, tabhi na balanced comparison dikhega yahan pe, right. और अगर हम नाउन लगा रहे हैं तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन लगेगा. सो द सेंटेंस हियर विल बी ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क बट आल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ द हायर ऑर्डर. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, देयर लाइज द एरर. आई होप आप सभी को एरर यहां पे समझ आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. No sooner did she reach the station than it started raining.
व्हाट विल बी दी एरर हियर. आई होप आप सभी को यहाँ पे एरर पता होगा. जल्दी से बताइए एरर कहाँ और किस पार्ट में है सेंटेंस के, या फिर ये सेंटेंस नो एरर है. आई गिव यू 30 सेकेंड्स फॉर दिस एंड योर टाइम फॉर दिस क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ. हम कर रहे हैं 500 एरर डिटेक्शन सीरीज सक्सेसफुली. हमने 200 क्वेश्चंस कर लिए हैं. हम शुरू कर चुके हैं तो 200 क्वेश्चंस के ऊपर के पड़ाव को, विच इज 2200 1 से लेकर 225 नंबर तक आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, राइट. हर दिन हम 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं और अपने पड़ाव की ओर, जैसा कि केबीसी में कहा जाता है, अगला पड़ाव, राइट. तो हम अपने पड़ाव की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और सक्सेसफुली हम होपफुली सक्सेसफुली हम ये कर पाएंगे. 500 एरर डिटेक्शन सीरीज करने के बाद आई होप दिस सेशन जनरेट्स एंड इनकल्केट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस ऑफ एरर डिटेक्शन. आई जस्ट होप फॉर इट. ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. 30 सेकेंड्स आर ओवर. नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन. नो सूनर के साथ लगने वाले जो कनेक्टर्स होते हैं वो डेफिनेटली होते हैं दैन, बट इट इज दैन नॉट देन. सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर 3. नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन दैन इट स्टार्टेड रेनिंग विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माय होम. वेयर डज द एरर लाई. Where does the error lie? In question number 206, the captain and his wife were invited for the cultural function at my home. No error. Question, क्या है यहाँ पे सही जवाब? आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे, जो कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ. बाद में मैं जरूर चेक करूंगी कितने लोगों ने सही आंसर दिया और कितने लोगों ने गलत आंसर दिए हैं. तो जल्दी से बताइए, 30 सेकेंड्स ले लीजिए और 30 सेकेंड्स पे सॉल्व कर डालिए इस क्वेश्चन को. एक हिंट भी मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे. चलिए, देयर इज एन एरर इन फ्रेजल प्रीपोजिशन. एरर जो है वो है हमारे फ्रेजल प्रीपोजिशन का. तो बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे एरर. The captain and his wife were invited for the cultural function at my home. I hope आप सभी को आंसर समझ आ रहा होगा. प्रीपोजिशनल एरर कहाँ पे है, चलिए डिस्कस करते हैं. द एरर लाइज इन पार्ट टू, राइट. वट इज द एरर हियर. दे वर नॉट इन्वाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन, दे वर इन्वाइटेड टू द कल्चरल फंक्शन. The captain and his wife were invited to the cultural function at my home. This will be the correct answer. Invited for cultural function ke liye invite kiye gaye the, matlab ho sakta hai wo guest ho. Guest to hai hi, but ho sakta hai wo matlab aise koi guest hai jo shayad jaake inaugurate karne wale hain, but aise to koi guest nahi hai na, apne ghar pe bas aise casually bula rahe hain, ye samajh mein aa raha hai. So invited to the cultural function will be the correct answer over here. Next question. He tried to open the can by a can opener. Where does the error lie? उन्होंने कैन को ओपन करने की कोशिश की कैन ओपनर के द्वारा. क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? ए एन लाइफ कोड आप यूज कर सकते हैं मेरी बैच को ज्वाइन करने के लिए. मेरे जो सेशंस हैं, जो प्लस की क्लोज क्लासेस हैं, वो ज्वाइन करने के लिए आप बिल्कुल यहाँ पे एन लाइफ कोड इस्तेमाल कर सकते हैं. He tried to open the can by a can opener. No error. Where does the error lie? चलिए तो समाप्त होते हैं आपके 30 सेकेंड यहाँ पे. मैं बताती हूँ आपको क्या होगा यहाँ सही जवाब. द करेक्ट आंसर, द एररियस पार्ट इज इन इज ऑप्शन नंबर 3. एंड व्हाट इज द एरर हियर? द एरर इज ही ट्राइड टू ओपन द कैन. ओके,
विथ अ कैन ओपनर, नॉट बाय अ कैन ओपनर, बाय पासिंग बाय, वहां से पार हो गए. इट इज डन बाय यू, आपके द्वारा किया गया है. बट हम जब भी किसी नॉन लिविंग चीज को इंडिकेशन देते हैं तो हम उसके साथ करते हैं, राइट. ओपन द डोर विद द विंडो, मेक द डोर विद द विंडो, राइट. डोर विंडो के साथ बनेगा, है ना, विंडो के द्वारा बनेगा, ये तो नहीं कहेंगे, राइट. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ही ट्राइड टू ओपन द कैन विद अ कैन ओपनर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लेट no one remain with doubt that India is getting stronger and stronger. Where does the error lie in this question? आपके 30 seconds शुरू होते हैं. 30 seconds में आपको answer देने हैं. जल्दी बताइए क्या होना चाहिए इस question का सही जवाब. Channel को like share subscribe करना ना भूलें. साथ ही session को भी ढेर सारा like करें. और आप लोग तो अब तक काफी enhancively answer कर रहे हैं, interactively answer कर रहे होंगे, I'm sure. Because 200 question तक मैंने देखा है आप किस तरीके से, लाजवाब तरीके से आप लोगों ने आंसर किया है. So I hope you people must be answering the same way and you are becoming stronger day by day in this part of English, in this section of English, which is error detection, with this series of 500 error detection. Let no one remain with doubt that India is getting stronger and stronger. Where does the error lie? आपके 30 seconds शुरू होते हो चुके हैं. आपको बताने हैं error कहाँ और किस question में है. Let no one remain with doubt that India is getting stronger and stronger. No error. Remain in, remain with. India is getting stronger and stronger. क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इन sentences को, इन words को, या फिर ये no error question है. चलिए तो 30 seconds आपके समाप्त हुए. केबीसी का क्वेश्चन का समय समाप्त हुआ, राइट. बताती हूं मैं आपको सही जवाब. लेट नो वन रिमेन, कोई भी डाउट में, डाउट के साथ नहीं रहना चाहिए, डाउट में नहीं रहना चाहिए. लेट नो वन रिमेन इन डाउट, डाउट में नहीं रहना चाहिए, दैट इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ओके, सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 2, व्हिच इज पार्ट 2 ऑफ द सेंटेंस. This is the erroneous part. The correct answer would be, let no one remain in doubt that India is getting stronger and stronger, will be the correct answer of the following question. And the next question is here. When the students reached late, the teacher objected their entering the class without his permission. Where does the error lie? Is question mein error कहाँ और किस क्वेश्चन में है ये बताना है आपको. जल्दी से बताइए, आपके 30 सेकंड्स शुरू हो चुके हैं. आपको बताना है एरर कहाँ पे है. आंचल मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आपको टाइप करना होगा ANCHALSINGH. जी हाँ, ANCHALSINGH अगर आप टाइप करते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर पाएंगे. कल भी अनअकैडमी पे और आज भी अनअकैडमी पे मेरी सेशंस हैं, जहां पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ बहुत सारे और ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. तो बिल्कुल जुड़े रहिए और जुड़ जाइए वहां पे भी, ताकि वहां पे भी हम काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर सके, राइट. Where does the error lie? चलिए 30 सेकंड समाप्त हुए. मैं बताती हूँ आपको कहाँ पे है एरर. When the students reached late, जब students late पहुंचे, है ना? Teacher ने object किया, ठीक है? उनके क्लास में एंटर करने से बिना उनकी परमिशन के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर, राइट. तो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो वहां पे अगर ऑब्जेक्टेड लगता है या इस तरह के कोई वर्ड लगते हैं, तो वो फ्रेजल प्रीपोजिशन के साथ आने चाहिए, ताकि वो अपनी मीनिंग प्रॉपरली कन्वे कर सके. सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 2. यहाँ पे जो सेंटेंस में एरर होगा वो होगा, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑब्जेक्टेड टू देयर एंटरिंग द क्लास विदाउट हिज परमिशन. ठीक है, उस चीज के लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, बच्चे आए उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं किया, बिना उनकी परमिशन के उन्होंने
वो आए इस चीज के लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, राइट। तो ये तभी कन्वे होगा जब आप वहां पे फ्रेजल प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और फ्रेजल प्रीपोजिशन का यूज कैसे होगा, वहां पे टू का इस्तेमाल करना होगा। व्हेन द स्टूडेंट्स रीच लेट द टीचर ऑब्जेक्टेड देयर एंटरिंग द क्लास विदाउट हिज परमिशन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीला एडवाइज्ड टू हर चाइल्ड नॉट टू प्ले विद द बॉल ऑन द रोड। बहुत ही सिंपल सेंटेंस, बहुत ही इजी सेंटेंस है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका एरर। Where does the error lie in this question? Sheila advised to her child not to play with the ball on the road. कहाँ पे error होगा, कहाँ error होना चाहिए, आप लोगों को बताना है सही जवाब error का, right? Okay, let's discuss this question as well, right? Sheila advised to, क्यों लिखेंगे यहाँ पे? Sheila ने उसे Sheila advised her child, अपने child को उसने advise किया, advised to यहाँ पे is inappropriate, right? So we will not use advised to here. The error is in option number one. Sheila advised her child not to play with the ball on the road. Simple. Next question, question number 11. The expert Mason reported to the owner of the hotel that there was no question of the walls falling down. Where does the error lie in this question? And your time for this question starts now. The expert Mason reported to the owner of the hotel that there was no question of the walls falling down. Error कहाँ और किस पार्ट में है ये आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है, सेशन को लाइक करना है और चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक रूल बताती हूँ। जब भी हम पजेसिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम यूजुअली एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते, राइट। तो जब हम नहीं इस्तेमाल करते हैं तो हम डेफिनेटली वॉल के साथ तो apostrophe s का यूज नहीं करेंगे। हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं there was no question of falling, there was no question of the falling down of the wall. This will be appropriate, grammatically correct and logically and contextually also a correct statement. Okay, so hum apostrophe ya apostrophe s kiske sath nahi lagate hain, no inanimated object ke sath nahi lagate, jaise hum chairs leg nahi bol sakte, hum cars tire nahi bol sakte, right? What do we say? We say leg of the chair, tire of the car. Okay, I hope you got my point here. Next question. This blade's edge is sharper than any other blades, said the representative of the company. No error. Where does the error lie? Error कहाँ और किस प्रश्न में है? अब देखिए यहाँ पे जो blade लिखा हुआ है, ठीक है ना? Blade का edge, blade's edge is sharper than any other blades. तो यहाँ पे जो एरर होगा वो apostrophe s का नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको एक रूल बताया, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए अगर आप सेंटेंस लिख दिया गया है, ठीक है,
और सेंटेंस में दो जगह पे सेम चीजें आपको दिख रही है तो आप उसको एररनियस मार्क नहीं करेंगे, आप दूसरे एरर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। और कोट्स के अंदर लिखे जाने वाले वर्ड्स में ज्यादातर एरर्स नहीं होते हैं, तो आपको ये चीज इन चीजों का ध्यान देना है। दिस ब्लेड्स एज इज शार्पर देन एनी अदर ब्लेड्स, सेट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी वेयर डज द एरर लाई। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 212, एरर कहां पे और किस पार्ट में है। Where does the error lie in this question? Or is it a no error question? क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या ये no error question है या यहाँ पे error है? जल्दी से comment box पे comment करते रहिए, comment करके बताते रहिए हमें error कहाँ, किस part में आप लोगों को दिख रहा है। चलिए तो बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे एरर कहाँ है। ये तो एक नो एरर क्वेश्चन है, राइट? सो देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर सन्स इन लॉज फ्रेंड सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू टू सी हिम एज सून एज पॉसिबल, वेयर डज द एरर लाई। जल्दी से बताइए एरर कहाँ और किस क्वेश्चन में है, एंड योर टाइम फॉर दिस क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ। चलिए बताइए कहाँ पे यहाँ एरर है। आई होप आप सभी को एरर समझ आ गया होगा। योर सन इन लॉज जब हम लिखते हैं तो सन के इन लॉज, इज इट राइट टू से नो, राइट? सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर वन। व्हाट विल बी द एरर हियर? द एरर वुड बी ओनली सन इन लॉज फ्रेंड, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस बट ऑन समबडीज एल्स, वेयर डज द एरर लाई। जल्दी से बताइए एरर कहां और किस पार्ट में है क्वेश्चन में।
Okay, so where does the error lie in this question? Let's discuss that. You know it very well, that your success in life depends not on my advice but on somebody else. Where does the error lie in this question? Kya hai error? The error is in but on somebody's else. Nahin hota hai, right? Somebody's else is incorrect. The correct answer is somebody else's, right? This is the correct answer of the question. Next. He suggested to me that I should go to nursery to find some beautiful summer's flowers. Where does the error lie? Jaldi se bataiye error kahan aur kis question mein hai. This is question number Okay, so the correct answer to this question, अभी तक आप लोगों को मिल ही गया होगा, तो let's discuss it. He suggested to me that I should go to nursery to bring some beautiful, सिर्फ summer के flowers ही लिखेंगे तो गलत हो जाएगा होगा क्या? नहीं होगा बिल्कुल भी. Beautiful summer flowers, simple. और अगर apostrophe लगाना ही है, तो हम flowers के साथ लगाएंगे, summer के साथ क्यों लगाएंगे? Summer के साथ नहीं लगाएंगे, right? Next question. No sooner we entered than he got up and left the room. No error. Where does the error lie in this question? कहाँ पे है error इस question में? जल्दी से बताइए. Which of the following will be the correct answer of this question? Question number 216 हम कर रहे हैं 500 error detection में से, right? So आपको बताना है error कहाँ और किस part में है. Again, अगर हम कहें no sooner we entered के बाद क्या लगना चाहिए, right? क्या लगना चाहिए? जल्दी से बताइए, सोच के बताइए. आपको इसके पहले भी मैंने ये रूल बताया है. नो सूनर वी एंटर देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम. नो एरर. वेयर डज द एरर लाई? सबसे पहले देखिए यहाँ पे एरर नो सूनर के साथ क्या लगता है, हमें ये पता है नो सूनर के साथ हमेशा दैन लगता है, राइट? एक एरर तो हमें यहाँ मिल गया दैन, बट एक एरर और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड दैट एरर इज नो सूनर हैड वी एंटर्ड दैन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम. दिस विल आल्सो बी एन एररियस पार्ट. ठीक है, नो सूनर के साथ हैड लगाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विलिंगली एंड चेयरफुली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू हिम. वाओ, वंडरफुल क्वेश्चन. ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विलिंगली एंड चेयरफुली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू हिम. वेयर डज द एरर लाई? एरर यहाँ पे आपको मुझे नहीं पता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, जब हम विलिंगली एंड चेयरफुली ये दो हम एडवर्ब का यूज कर रहे हैं, तो हम ये दो, ये जो हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है, इसके बीच में नहीं करेंगे, राइट? ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड चेयरफुली विल बी द करेक्ट आंसर. नो एरर. हरीश इज वेरी मच विलिंग टू कम विथ यू. नो एरर, राइट?
where will be the error here? Harish is very much willing to come with you. No error. Which part of this question has an error? एरर क्या होना चाहिए इस प्रश्न में, जल्दी बताइए क्या होगा एरर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. हरीश इज वेरी मच विलिंग टू कम विथ यू. हरीश इज, कैंट आई से हरीश इज, जस्ट सी व्हाट एरर डू यू गेट हियर. हरीश इज वेरी विलिंग टू कम विथ यू विल ऑल्सो बी अ करेक्ट आंसर, राइट. So there is no error in question number. There is no error in question number 2. Harish is very willing to come with you. This is the correct answer of the following question. Next. Mahesh thought that he would pass in the examination although he did not answer most of the questions correct. Mahesh ko aisa laga ki wo exam mein pass ho jayega. Mahesh thought that he would pass in the examination although he did not answer most of the questions correct. Where will be the error in this question? आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में एरर. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही सेशन को भी ढेर सारे लाइक करें. एरर दिखी गया आप लोगों को, आई होप, राइट. महेश ने सोचा दैट वो पास हो जाएगा एग्जामिनेशन में, हालांकि उसने आंसर नहीं किया ज्यादातर क्वेश्चन करेक्टली, राइट. तो करेक्ट नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, वी विल राइट करेक्टली. सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट. कुनाल्स फादर एडवाइज हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट. वेयर विल बी द एरर? आपको एरर अगर समझ आ गया तो आप कमेंट बॉक्स पे जल्दी से कमेंट कीजिए विद इन 30 सेकेंड्स और आंसर बता दीजिए क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का. कुनाल्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट. कुनाल के फादर ने एडवाइस किया. देखिए हमने एक एरर किया था जहां पे एडवाइस्ड टू लिखा हुआ था, तो हमने बोला एडवाइस्ड टू लगाने की जरूरत नहीं होती है, एडवाइस्ड इज करेक्ट, ओके, एडवाइस काफी है. तो हम एडवाइस के साथ टू यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं फिर से. कुनाल्स फादर एडवाइज्ड हिम Not to ride the motorcycle, motorcycle ना ride करे. Lately at night, no error. Which part has an error in this question? Error कहाँ और किस part में होगा question के ये बताना है आप लोगों को. राइट. यस, बिल्कुल सही. आई होप आप लोगों को यहां समझ आ गया होगा. द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 3. लेट एट नाइट. लेटली का मतलब क्या होता है? लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, राइट. तो रिसेंटली तो हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, राइट. हम क्या यूज करेंगे? लेट, काफी देर रात में. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. लुकिंग इन टू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू ईयर्स अगो, ही वॉज टेकन दैट डिसीजन, वेयर विल बी द एरर? बता देती हूं मैं आपको, जब हम बात करते हैं टेक, ये होते हैं वर्ब फॉर्म्स v1, v2, v3, v4 एंड v5, राइट. टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स. तो जब हम वॉज लगा रहे हैं तो क्या हम वॉज के साथ लगाएंगे टेकन? लुकिंग इन टू द सिचुएशन दैट प्रिवेल अ फ्यू इयर्स अगो, ही वॉज टेकन दैट डिसीजन, ही टुक दैट डिसीजन. वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा यहाँ पे, राइट. उसने वो डिसीजन लिया, ही टुक दैट डिसीजन विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम द चाइल्ड वुड हैव टेकन बाय द डिकॉयट्स. नो एरर. वेयर डज द एरर लाई? कंडीशनल सेंटेंसेस जब भी शुरू होते हैं, हम जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं, टेंस क्या होने चाहिए?
अगर पास्ट परफेक्ट टेंस लगे हुए हैं तो पास्ट परफेक्ट के साथ और क्या लगाए जा सकते हैं, और अगर हम पास्ट के साथ या पास्ट टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं, राइट। सो कहां, कैसे, किस तरीके से लगाएंगे, ये आपको सोचना है। आई होप आपको हिंट मिल चुका होगा कि 222222 क्वेश्चन में एरर कहाँ है और किस जगह पे है। तो जल्दी से टेक योर टाइम एंड बताइए मुझे कहाँ पे एरर है। If you had not come in time, the child would have taken by the dacoits. Where will be the error? The error is in option number 2, right? If you had not come in time, the child would have been taken. The child would have been taken. Have ke saath been lagega, tabhi V3 hum yahan pe use karenge. Have been taken by the dacoits will be the correct answer of the following question. Next. I knew our college library was run chaotically, but only recently did I discover how bad the situation is. Where will be the error in this question? I knew, मुझे पता था हमारे कॉलेज लाइब्रेरी बहुत ही chaotically रन कर रहे हैं, लेकिन but only recently did I discover, तभी recently मैंने discover किया कि situation कितनी बुरी है, how bad the situation is, where will be the error in this question? आपको बताना है error किस part में है। channel को like, share और subscribe जरूर करें, और साथ ही session को भी ढेर सारे like करें। session को अगर आप like करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, राइट। हमारे सेशन को और हमारे इवेंट को भी अगर आप लाइक करें, ठीक है, तो इट वुड बी रियली नाइस एंड हैपनिंग। तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, और आंचल मैम को अनअकैडमी पे जाके जरूर फॉलो कीजिए। यू हैव टू टाइप माय नेम व्हिच इज ANCHALSINGH। चलिए तो मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे सिचुएशन क्या है। यहाँ पे सिचुएशन जो है बहुत बुरी है, और मैंने ये डिस्कवर किया that how bad the situation was, not is, ठीक है? So the error is in option number 3. Next error of the session, next question of the session, they talk for a while and when they will continue to play the game till the morning. They talk for a while and then they will continue to play the game till the morning. उन्होंने बात की कुछ देर और फिर वो खेलने में लग गए till the morning. क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? Then they will continue to play the game till the morning. तब सुबह तक वो continue करेंगे. तो कुछ हो चुका है और आगे होने वाला है, right? कुछ हो चुका है और आगे होने वाला है. तो एक ही sentence में दो tense हम बिना conditions के लगा सकते हैं क्या? अगर लगा सकते हैं तो बताइए क्या होना चाहिए error. और नहीं लगा सकते तो भी बताइए error कहाँ पे है. Comment box पे आप comment करके मुझे errors बता सकते हैं कि कहाँ पे error है इस question में. So जल्दी से बताइए error कहाँ पे है. You have 30 seconds to answer this question. They talk for a while and then they will continue to play the game till the morning. No error. Okay, so the error in this question is option number 1. जब हमने यहाँ बोल दिया they will continue to play till the morning, मतलब next sentence में भी futuristic बात हो रही है कि morning तक वो खेलेंगे, तो यहाँ पे हम talked का इस्तेमाल नहीं करेंगे. We will say they will talk for a while, they will talk for a while, कुछ देर वो बात करेंगे और फिर वो खेलने लग जाएंगे सुबह तक. This will be the correct answer. Okay, and the last question of the session. We got everything ready for all of them long before they arrived. No error. We got everything ready
for all of them long before they arrived, where will be the error in which of the following sentences, in which of the following questions? एरर कहाँ पे, किस पार्ट में होगा बताना है आपको, जल्दी से बताइए एरर कहाँ पे है। आपको मिलते हैं 30 seconds एरर बताने के लिए। We got everything ready for all of them long before they arrived, उनके पहुंचने के काफी देर पहले। तो यहाँ पे दो actions की बात हो रही है, तो जब हम दो actions की बात करते हैं और वो दो actions past में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम परफेक्ट का यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे एरर क्या होना चाहिए, एरर होगा ऑप्शन नंबर वन में, वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव, द एरर विल बी इन ऑप्शन नंबर वन। सो आज हमने कर लिया है एरर डिटेक्शन, राइट? 500 एरर डिटेक्शन के सीरीज कंप्लीट कर ली हमने। आपको जाके मुझे फॉलो करना है, ANCHALSINGH टाइप करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मास्टर होना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप जाके मुझे फॉलो करें। और मेरी सभी फ्री क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हैंडल करने के तरीके, जाने की किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा आपको और काफी सारी और चीजें सीखने के, काफी सारे न्यू पैटर्न का भी पता चलेगा व्हाइल यू आंसर द क्वेश्चन इन वन गो, राइट? तो आई होप द सेशन वॉज रियली गुड फॉर यू एंड इट वॉज बेनिफिशियल। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही सेशन को भी लाइक करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।